अगर आप भी भाई एमपी बोर्ड के स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में है आपके 10th एंड 12th के एग्जाम्स। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट के मन में इस समय जो है सवाल चल रहा है एक ही, क्या इस साल हमें जो है एमपी की गवर्नमेंट बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ देगी या नहीं देगी। समझ गया। तो यहाँ पे इसको लेकर काफी कुछ चीजें मैं देख रहा था, काफी कुछ लोग इंस्टाग्राम वगैरह में पूछ रहे थे कि बेस्ट ऑफ 5 योजना का इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बोर्ड ने इस साल काफी ज्यादा बदलाव किए हैं। तो आई थिंक कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद बेस्ट ऑफ 5 योजना ही ना उड़ा दी जाए। ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो क्या है अभी तक क्या प्रोसेस है और क्या सच में इस साल बेस्ट ऑफ 5 योजना हमें उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज सब कुछ अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे एमपी बोर्ड की पल पल की अपडेट जानने के लिए चैनल को भाई रीति रिवाज के अनुसार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये बेस्ट ऑफ 5 योजना है किस बला का नाम भाई। अब काफी लोग ऐसे हैं जो 10th वाले होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि भाई बेस्ट ऑफ 5 योजना क्या है, उन्होंने कहीं से सुन रखा होगा बेस्ट ऑफ 5 तो वो उसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन लिटरली सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 योजना होती क्या है। तो ये एक योजना होती है जो हमारे एमपी में ही होती है और अदर स्टेट में तो ये सेवाएं नहीं होती फिलहाल में, लेकिन एमपी में बेस्ट ऑफ 5 योजना चालू होती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 योजना का मतलब क्या होता है? तो बेस्ट ऑफ 5 योजना का मतलब हो जैसे कि लाइक आपके 10th क्लास में, ये 12th वालों के लिए तो अभी तक ये सुविधा नहीं है, स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चों के लिए है। जैसे कि आपके यहाँ पे 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड जाते होंगे, लाइक किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होगा, किसी का और कुछ सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके जो है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम्स में नंबर्स मिले हैं, उन्हीं नंबर्स को कैलकुलेट करती है, और एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम नंबर है उसको कैलकुलेट नहीं करती और उसका जो है रिजल्ट नहीं निकालती। तो अगर जैसे मान लो आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जा रहे हैं तो भी आपको 5 सब्जेक्ट के बेस में यहाँ पे गवर्नमेंट पास करने की कोशिश करती है, और यही बेस्ट ऑफ 5 योजना का जो है फ़ायदा होता है। और ये 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट से अगर फेल हो रहे हैं तो उन्हें जो है पूरी परीक्षा में फेल होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बेस्ट ऑफ 5 मतलब कि जो उनके बेस्ट सब्जेक्ट से 5 जिसमें अच्छे स्कोरिंग मार्क्स हैं उन मार्क्स के बेस पे ही उन्हें पास कर दिया जाता है। अब यहां पे जो है बात कर लेते हैं कि इस साल ये योजना है या नहीं है। तो मैं तुमको बता दूं कि एमपी की गवर्नमेंट ने इस साल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर काफी कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, इसी को लेकर जो है यहां पे एमपी की गवर्नमेंट एक और बदलाव करने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं उसके अनुसार कि यहाँ पे जो एमपी की गवर्नमेंट है वो अभी बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद करने की सोच रही है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी ऐसी चीज़ें जो है नोटिस के द्वारा नहीं प्राप्त हुई हैं, ये सिर्फ आर्टिकल्स, और यहाँ पे बोर्ड जो है इसको चेंज करके कुछ और बेस्ट चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें तो पता है कि देखो एमपी का कुछ सालों का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्स के रिजल्ट है काफ़ी अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी निचला स्तर पर हमारा रहा है, जिस कारण से बोर्ड क्या करता है कि नए नए बदलाव करने की कोशिश करता है। बट यहां पे आपको पहले भी मैंने क्लियरली मेंशन करके बताया था और अभी भी मैं मेंशन करके बता रहा हूं कि भाई अभी तक के गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, बट आर्टिकल और गवर्नमेंट की प्लानिंग तो यही चल रही है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद कर दे। आने वाले समय में शायद कोई अगर नई योजना गवर्नमेंट ला के दे सकती है तो वो चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं लाती है तो बेस्ट ऑफ 5 योजना तो आपकी रहने ही वाली है। आने वाले फ्यूचर में इस चीज का जो है आपको डिसीजन पता चलेगा और आई थिंक आपके एग्जाम्स होने के पहले ही आपको ये चीज़ें क्लियर देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग कोई भी न्यूज आती है तो भाई मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई ऐसे ही एमपी बोर्ड की पल पल की अपडेट्स और कोई अदर टॉपिक्स जो आपके मन में चल रहे हैं या किसी और सवाल का आपको जवाब चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका जो है 110% कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।